कॉलेज में ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अफसरों की जो आप बात कर रहे हो वो जो किसी की जो दाल में कहीं ना कहीं काला दिख रहा है? देखिए, एक बात, आप दाल में काला हो, अब उस काले को निकालने के लिए हाँ में हाँ मिलाने से तो पार पड़ेगी नहीं, किसी को तो कड़वा पीना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। अब मैं उन नेताओं में से हूँ नहीं, मैं सड़क पर संघर्ष करके राजनीति पाया हूँ। कोई गलत करे तो गलत पॉलिसी लाएंगे तो वापस भेज भी देता हूँ, वो पॉलिसी स्वीकार नहीं करेंगे। और लैंड वे में जो कोई आदमी होशियारी से करते हैं, कोई भी अधिकारी कोशिश हो चलने वाली नहीं। आप चिंता मत, इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर दिखेगी? इलेक्ट्रिक बसें इसलिए दिखेगी आपको, अब इलेक्ट्रिक बसें हमने सारी तैयारी कर ली। कल इलेक्ट्रिक बस वाले मेरे से मिलकर गए थे, मैंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत आ रही, सारा काम तुम्हारा हो गया। इसीलिए मंडे को रोडवेज मीटिंग ली, थोड़े बेचारे ऊपर नीचे हो रहे थे, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े। पहले केंद्र सरकार एक योजना लाई है इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी दुनिया में, वो पैसा लैप्स होने वाला। पहले कोई आईएएस अधिकारी थे, उनसे सीएम ने वहाँ घोषणा की, मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया, सुनिए उनको इंटरफेयर करके नहीं बसें आप आए, अब ये बसें आ गई तो अभी कोई दिक्कत है वो दूर करके लेने की तैयारी इसलिए है कि राज्य सरकार से उतनी मदद कोरोना संकट के कारण मिल नहीं पा रही। तो लोन लेंगे तो लोन चुकाएंगे रोडवेज कॉरपोरेशन, ऐसा तो नहीं लोन चुकाया नहीं जाता। रोडवेज के पास बहुत जमीनें पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, अभी हमने कोई भी जमीन बेची नहीं। बेचने की पॉलिसी के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन यदि कोई एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है, यदि वो जमीन बिक कर उन लोगों को पैसा मिल सकता है, मान लो जो रिटायर्ड हो गए, अब मेरा फर्स्ट टारगेट पर है कि जो रोडवेज से रिटायर्ड होकर चले गए, अब बेचारा उनको पेंशन नहीं दी तो उनका परिवार पेंशन की तैयारी कर रहा है, उनकी डेथ हो गई कहीं तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं उनको पेंशन दी, नौकरी कर ली पूरी। अब पहले मैं चाहता हूँ उनको एक ही शॉट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बहुत सीरियस ले, उन्होंने कहा चाहे गवर्नमेंट से मदद करनी पड़े, एक साथ उनको पैसा चुका दे, उनका चूक जाए तो इसको कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम लाए जिससे घाटे से भी उतरे। अभी क्या है कि घाटा इतना ज्यादा है पुराना कि उस घाटे को घाटे से निकलने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, मतलब लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। ये हालात है, जो सच है वो ये है। अब कोई कह दे साहब इसमें ऐसा हो गया, अरे कांग्रेस और बीजेपी इसमें वो हो गया, भैया कुछ नहीं हुआ, हमें तो जिसने पैदा किया उसके दूध की हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, जिसने चोरी की वो पाप देगा, हमने तो चोरी की नहीं, हमारे क्या लेना। ये प्रताप सिंह खाचर जो बता रहे कि जिस तरीके से रोडवेज जो कि आम आदमी को सुविधा देने वाली की योजना है उसको पिछली सरकार जिस तरह से बंद करना चाहती है, उसको बंद करने की वजह से लाइफ लाइन बनाकर किस तरह से उसमें लीकेज है, उस लीकेज को खत्म करने की प्राथमिकता सरकार की और उसी के तहत आगे काम किया जा रहा है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।